क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आईआईटी स्क्रीन 2001 का क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा 1 * cos अल्फा 2 ऐसे डॉट 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 मल्टीप्लाई हो गया cos अल्फा n अंडर द रिस्ट्रिक्शन कि ये सारे जो एंगल है उनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 5/2 है, और एक रिलेशन दिया है हमको जो यूज कर रहा है कि cot अल्फा 1 * cot अल्फा 2 * cot अल्फा 3 इस तरह से डॉट 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 cos अल्फा n का वैल्यू 1 है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ऊपर वाले एक्सप्रेशन का। तो देखिए एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे assumptions आपको लेने पड़ेंगे, काफी सारी चीजें आपको बेसिक्स के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहले ये रिलेशन यूज करना है किस तरह से कि cot अल्फा 1 into cot अल्फा 2 into cot अल्फा 3 डॉट 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 into cot अल्फा n इज इक्वल टू 1, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्वेश्चन ही कॉपी किया एक तरह से। अब cot को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin, चलिए वही लिखते हैं, ठीक हो गया। cos अल्फा 1 अपॉन sin अल्फा 1 into cos अल्फा 2 अपॉन sin अल्फा 2 into cos अल्फा 3 अपॉन sin अल्फा 3 डॉट 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 डॉट, क्या लिखूंगा, cos अल्फा n अपॉन sin अल्फा n और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो किस तरह का लिखा हुआ आएगा, ये आएगा cos अल्फा 1 into cos अल्फा 2 into cos अल्फा 3 डॉट 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 cos अल्फा n इज इक्वल टू, चलो लेके जाइए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सब, sin अल्फा 1 into sin अल्फा 2 into sin अल्फा 3 ऐसी डॉट 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 और sin अल्फा n। एक चीज है ध्यान से देखो, cos अल्फा 1 sin अल्फा 1 के बराबर है, ऐसे cos अल्फा 2 sin अल्फा 2 के बराबर है, cos अल्फा 3 sin अल्फा 3 के बराबर है, और बिल्कुल इसी तरह से cos अल्फा n sin अल्फा n के बराबर है। तो सोचो ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर sin और cos बराबर होते हैं, तो मेरे ख्याल से sin थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं 45 डिग्री पर, इसको बोलते हैं pi by 4 रेडियन में, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि cos अल्फा 1 sin अल्फा 1 के बराबर तभी होगा, बीच में इक्वल टू है ना, तो पहला टर्म पहले से बराबर है, दूसरा दूसरे से बराबर है, तीसरा तीसरे से बराबर है, आखिर वाले से बराबर है, तो कोई सा भी लिख दो आप, लेकिन cos अल्फा 1 sin अल्फा 1 के बराबर कब होगा, जब when this अल्फा 1 is equal to what pi by 4। इतना तो क्लियर है कि ये अल्फा 1 जब तक pi by 4 नहीं होगा, अल्फा 1 की जगह अगर मैं लिखता कि cos अल्फा 2 बराबर sin अल्फा 2, तो कब बराबर होता cos और sin, जब अल्फा 2 pi by 4 के बराबर होता। अगर मैं लिखता कि cos अल्फा n is equal to sin अल्फा n, तो ऐसा कब पॉसिबल होता, ऑब्वियस सी बात है कि जब अल्फा n बराबर होता pi by 4 के। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये रिलेशन तभी वैलिड हो सकता है, तभी यस हो सकता है जब इस एंगल का वैल्यू pi by 4 हो, ठीक है। और देखो मुझे एक चीज भी कह रहा है कि आप जो अल्फा निकालोगे अपना वैलिड वाला, वो देखो 0 से लेकर pi by 2 के बीच में होना चाहिए, तो चेक कर लो 0 से pi by 2 मतलब 0 से 90 के बीच का अल्फा कितना है मेरा 45 डिग्री, भाई pi by 4 is 45 ना, तो 0 से 90 के बीच में ही है, तो ये बात तो कंफर्म हो गया। तो लिख सकते हैं कि हियर अल्फा जो है बिलोंग कर रहा है किसको, 0 से pi by 2 को, और मैंने क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं कि देखो यहां पर इक्वल टू भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं, अब आंसर में किसका चाहिए, cos अल्फा 1 into cos अल्फा 2 अप टू cos अल्फा n तक, तो ये जो LHS है ये तो मुझे आंसर में चाहिए, तो पक्की बात है मुझे उधर वैल्यू चाहिए होगी। तो देखो मैंने कैसे लिखा, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा 3 डॉट 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 cos अल्फा n, भाई ये तो मेरा क्वेश्चन है जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको तो हाथ नहीं लगाते हैं। अब इसे क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं इसे sin अल्फा 1 का वैल्यू कितना pi by 4, sin अल्फा 2 का वैल्यू कितना pi by 4, sin अल्फा 3 का वैल्यू कितना pi by 4 डॉट 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 sin अल्फा n का वैल्यू कितना pi by 4। भाई अभी तो बताया कि सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सब pi by 4 के बराबर है, अब मैं इधर वैल्यू इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि ये तो देखो आपको फाइनल आंसर भी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो सबको मैंने sin pi by 4 sin pi by 4 sin pi by 4 और sin pi by 4 लिख दिया। अब जरा चेक करो, व्हाट इज sin pi by 4, 1/√2 into 1/√2 into 1/√2 और कहां तक, n टर्म्स तक, तो अप टू n टर्म्स तक आपका 1/√2 ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपको बताता हूं मैं, 7 into 7 into 7 into 7 up to n terms, तो इसको लिखा जा सकता है 7 की पावर n,
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू एन टर्म्स, तो इसको आप लिखोगे डायरेक्टली टू की पावर है। तो देखो यहाँ कैसा बन रहा है, वन बाय रूट टू इंटू वन बाय रूट टू इंटू वन बाय रूट टू इंटू वन बाय रूट टू अप टू एन टर्म्स, तो डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं, ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन रूट टू की होल पावर एन। अब अगला स्टेप देखिए, तो ये आया हमारे पास कॉस अल्फा वन इंटू कॉस अल्फा टू इंटू कॉस अल्फा थ्री डॉट 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 इंटू कॉस अल्फा एन इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू की होल पावर एन। अब जरा प्रॉपरली लिख के दिखाता हूं, ये हो गया वन बाय टू की पावर हाफ की होल पावर एन, भाई रूट टू लिखा है ना तो मैंने पावर में हाफ लगा दिया। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आया, तो वन अपॉन टू की पावर एन बाय टू, और फाइनल आंसर आया हमारा वन अपॉन टू की पावर एन बाय टू। तो वॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कॉस के सारे टर्म्स, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है वन अपॉन टू की पावर एन बाय टू। शानदार क्वेश्चन था, अच्छे से इस चीजों की प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के बेसिक आपको आने बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।